ब्रह्मवादिनाम् मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्या धर्मो इव आत्मना प्रजासु पितृवत्सिनर्थम् किं करो ब्रह्मवादिनम् मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्या धर्म एव आत्मना प्रजासु किं करो ब्रह्मवादिनम् मातृभक्ति परस्त्रीषु परत्या परधर्मात्मनाम् प्रजासु पितृवत्सृग्भ्यां किं करो ब्रह्मवादिनाम् मातृभक्ति परस्त्रीषु प्रजासु पितृभक्तिभ्यां किं करो ब्रह्मवादिनाम् मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्या धर्म एतवात्मना प्रजासु पितृभ्यः किं करो ब्रह्मवादिनम् मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्या धर्म इव आत्मना प्रजासु पितृवत्सृग्भ्यां किं करो ब्रह्मवादिनाम् शब्दार्थ मातृभक्ति अपनी माता के समान आदर करने वाला परस्त्रीषु पराई स्त्री के प्रति पत्न्याम अपने पत्नी को धर्म आधा इव सदृश आत्मन अपने शरीर का प्रजासु नागरिक को प्रति पितृवत पिता के समान स्निग्ध स्नेह किं करः दास ब्रह्मवादिनाम् भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का उपदेश करने वाले अनुवाद श्लोक अनुवाद ये राजा सभी स्त्री को अपनी माता के समान सम्मान देगा और अपने पति को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेगा। यह अपने प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेगा। तात्पर्य विद्वान मनुष्य अपने पत्नी के अतिरिक्त सारी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है। अन्य के संपत्ति को गली में पड़ा हुआ कूड़ा समझता है और अन्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे वह अपने साथ करता है। वे विद्वान पुरुषों के लक्षण है जिनका उल्लेख चाणक्य पंडित ने किया। शिक्षा का यही मानदंड होना चाहिए कि शिक्षा का अर्थ सौखिक उपस्थितियां उपाधियां प्रदान
प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि उसने जो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है उससे कार्य रूप में परिणत करे। विद्वान के ये लक्षण राजा बुद्ध के जीवन में प्रकट थे। राजा होकर भी वह अपने को भगवान के भक्तों का दास मानता था। वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि कोई भक्त राजप्रसाद में जाता है तो राजा उसे तुरंत अपना आसन प्रदान करता है। ब्रह्मवादी का शब्द अत्यंत सार्थक है। ब्रह्मवादी का अर्थ है भगवान का भक्त। ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान ये परम ब्रह्म के विविध नाम है। परम ब्रह्म तो श्री कृष्ण है। इससे भगवद गीता 10वां अध्याय 12वां श्लोक में अर्जुन ने स्वीकार किया परम ब्रह्म परम धाम। इसी प्रकार ब्रह्मवादी में भगवान के भक्त के सूचक है। राजा को चाहिए कि भगवान के भक्त की सदा सेवा करे और आदर्श राज्य को चाहिए कि भक्तों के आदेश के अनुसार अपना संचालन करे। क्योंकि राजा भक्त ने इसी नियम का पालन किया इसलिए उसकी अत्यंत प्रशंसा की जाती है। वो ज्ञान की मदद से ज्ञान अर्जन सला किया शक्ति मृतम जय न तस्मै श्री गुरु नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ट स्वरूपयम वंदे अहम श्री गुरु श्रीत पद कमल श्री गुरु नम श्री सगुण रघुनाथ निकम सजीव साधे तुम सबुतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादन सगन ललिता श्री विशाख नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश वंशा कल्प तरुवेच कृपा सिंधु पतिता न पावने वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। आप सब स्वागत है आज जय श्री श्री रूप दारकंदर भगवान की जय गौर नित्य भगवान की जय श्री प्रभुपाद की। आप सभी को स्वागत है आज के भागवत व्याख्यान। तो आप लोग की कृपा आशीर्वाद से हम लोग इस श्लोक को समझने को कोशिश करेंगे। श्रीमद् भागवतम है और श्रीमद् भागवतम ये हमको हमारे जीवन के मार्गदर्शन करती है कैसे हम लोग अपने मनुष्य जीवन का सफल बनाए। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। मुश्किल मतलब कई योनियों में भ्रमण करने के बाद हमको ये शरीर प्राप्त होती है। और ये शरीर को कैसे हम लोग सदुपयोग करना है। कोई भी चीज है सदुपयोग करना सीखना चाहिए। जिस तरह हमारे पास कुछ पैसे है और उसको सही जगह निवेश करना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते बिना सोचे समझे उसको अगर किधर किधर निवेश करते हैं किधर खर्चा करते हैं फिर क्या होता है हम तो फिर बाद में निर्धन होना पड़ता है या दुख की सामना करनी पड़ती है। और जिसी तरह धन को सही जगह उपयोग करना है। और ये शरीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा धन तो ये शरीर है। और हर शास्त्र में यहां तो बताया गया हमको
पहला स्टेप है मनुष्य शरीर मिला, तो ये शरीर को सुस्त रखना, शत्रुओं से बचाना पहला धर्म है। और कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है, शरीर को सुस्त रखने के लिए जो जो नियम बताया गया पालन भी करता है। शरीर को सुस्त रखने के लिए सुबह उठना चाहिए और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। और बताएगा शरीर सुस्त नहीं रखना के लिए जो प्रयास नहीं करता, और ये शरीर को शत्रुओं से रक्षा करने के प्रयास नहीं करता, शत्रु जो हिंसक प्राणी होते हैं और उससे बचाने के लिए प्रयास नहीं करता, उसको नर्क जाना पड़ता, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला, इसलिए दुर्लभ है, क्योंकि ये जन्म में हम लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं, हमें अपनी परम पिता के पास पहुंच सकते हैं, इसलिए शरीर मिला है। और ये शरीर को हम लोग क्या करते हैं, केवल आहार निद्रा भय मैथुन, खाना सोना बच्चे पैदा करना, ये करना है पशु जैसे करके। अगर जीवन को फालतू में दुरुपयोग कर लेते हैं तो उसको बहुत बड़ा दंड मिलता है। इसलिए शास्त्र में बताया कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज के श्लोक में बहुत कई महत्वपूर्ण बात बताया गया जो पृथ्वी महाराज की जीवन में, पृथ्वी महाराज और अपने जीवन में पालन करेंगे। आज दूसरे को इसलिए बताया गया यत्र यत्र आचरते श्रेष्ठ तत्र तत्र एवं इतर जना। जो श्रेष्ठ व्यक्ति वो राजा होते हैं और वो और जो साधु होते हैं, गुरु होते हैं, और जो जीवन में आचरण करते हैं साधारण व्यक्ति उनका फॉलो करते हैं। इसलिए आज के श्लोक में बताया गया पृथु महाराज कौन सा नियम, कई नियम तो बताया गया इसमें, आज के श्लोक में जो बताया गया वो बताया गया मातृभक्ति और स्त्रीसु। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने माँ के समान सभी स्त्री को देखना चाहिए। संसार में जितने माताएं हैं सिर्फ अपने पत्नी को छोड़ के सभी को माँ के समान देखना चाहिए। माँ के समान मतलब सिर्फ गलत भावना नहीं है, माँ के समान भी आदर देना सीखना चाहिए। जैसे अपने माँ को आदर देते हैं उसी तरह दूसरी जितने भी स्त्री है अपने पत्नी छोड़ के सभी को अपनी माँ की दर्जा देना चाहिए। हम लोग देखते हैं आजकल माता जो खास कर हम जो छोटे थे युवक थे हमारे जो प्रांत में हम जन्म लिए उड़ीसा प्रांत में, हम देखते हैं कभी हम लोग किसी तरह बचपन से सिखाया जाता था या हमारे संस्कार ऑटोमेटिक पड़ता था, ऐसे ही वातावरण था। हम लोग अगर खड़े होकर दो चार लड़के बात कर रहे हैं, समझ लो कोई माता जी आ रहे हैं तो हम लोग साइलेंट हो जाते थे, हंसना मतलब एक तरह से उनके लिए क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है, नहीं पता नहीं कहाँ इधर, लेकिन महाराष्ट्र में से कभी देखने को नहीं मिलता। देखते थे गेट के पास खड़े हो जाते हैं और माता जी वाला आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग क्या करते थे जब माता जी आ रहे तो साइड हो जाना, उनको रास्ता छोड़ देना और वो हंसे के बात नहीं करना, मतलब एक तरह से उनका अपमान होता है। तो ये जो शिष्टाचार है सिर्फ माता जी लोगों को गलत नजर से नहीं, माता को अपने माता के जैसे आदर करना चाहिए। यहाँ तो बताया गया माताएं कितने भी गिरा हुआ क्यों ना हो, यहाँ तो बताया गया आदमी को अपनी माँ और अपने बहन की चरित्र कितने भी दुष्चरित्र हो उसका कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। ये मेरी माँ ऐसे है, मेरी पत्नी के साथ लड़ती है, मेरी बहन ऐसे है, लेकिन गलती से कभी माँ अपने महाबहन की इज्जत को बाहर प्रचार कभी नहीं करना चाहिए आदमी को उसी तरह। इसलिए शास्त्र में बताया गया कि नारी कितने भी दुष्ट क्यों न हो और उसको कितने भी बड़ा अपराध क्यों न हो उसको मृत्युदंड नहीं है,
अपने संविधान में है नहीं है शायद, कोई स्त्री को फांसी नहीं दिया जाता, नहीं पता नहीं, क्योंकि शास्त्र में बताया गया कि कोई नारी को कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। यहां तक तो बताया गया ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को चाहे, यहां तक तो कि कोई बुजुर्ग हो, अपने माता है हो, कोई भी माता जी हो, और कभी भारी सभा में उनके अपमानित नहीं करना चाहिए। कभी माता जी को, जैसे एक बार एक कथा याद आता है, इधर क्या हो गया था, हमारी मंदिर के सामने लड़के लड़के बातें कर रहे थे, और दो तीन लड़कियां थी और दो चार लड़के थे बातें कर रहे थे। तो वो जाके लड़की के घर में कोई बता दिया उसका मामा को, वो गाड़गे नगर में रहते थे, कि तुम्हारी भांजी उधर इस्कन मंदिर के सामने लड़कों के साथ बात कर रहे। तो फिर वो आ गया, बहुत तो मंदिर को बहुत उल्टा सीधा बोला, और तुम लोग कुछ नहीं बोलते। बाद में वो उसकी भांजी को बहुत मारा। उस समय त्रिपाठी जी के बाबूजी थे, अपने त्रिपाठी जी के पिताजी, वो योग बस यहीं खड़े थे, और उनकी आवाज बहुत भारी है, बहुत भारी आवाज है उनका, और बहुत जोर से चिल्लाए, बहुत गंदी गंदी गाली, मूर्ख तुमको थोड़ा सा भी अकल नहीं। बता कहने का मतलब है, अगर लड़की कुछ भी गलती करती है तो तुम घर में शासन कर सकते, सारी बाजार में चाहे कोई भी ऐसे कहना चाहिए। अपनी पत्नी को कभी कभी क्या होता है, अपनी पत्नी हो, माँ हो, कोई भी हो, अगर किसको प्रताड़ना करना है तुम्हारे घर में करना, भारी बाजार में कई नारी की प्रताड़ना नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र बताएगा, ये सीखना चाहिए कि नारी को आपकी माँ जिस तरह मतलब माँ को घर में आदर करते हैं, हर नारी को इसी तरह आदर, गलत नजर से नहीं देखना चाहिए और उसी तरह सम्मान देना चाहिए हर नारी को, चाहे वो कितने भी दुष्ट हो क्यों ना हो। तो वहां भी अपोजिट माताएं के लिए भी वो प्रयोग होती है, और उसी तरह माताएं लोग भी जिस तरह जो पुरुष होते हैं माता को जितना आदर देते हैं, और जो नारी होती है उसको भी उसी तरह पुरुष के लिए आदर होना चाहिए। और कभी बताया गया, कभी सजना धजना है तो केवल पति के लिए सजना चाहिए। यहाँ तक बताया गया कि आजकल तो देखने को मिलता है कि माताएं लोग, एक बार माता ही लोग अगर उसी तरह रहती है तो सामने वाला को भी आदर से सर झुक जाता है। हम जब नागपुर में थे, नागपुर में इस्कन में नहीं आया था, हम ऑफिस में, हमारे ऑफिस के बाद में एक मारवाड़ी परिवार रहते थे, मारवाड़ी परिवार है, मारवाड़ी माता जी बहुत सुंदर है, और इसी तरह साड़ी पहनती थी, वो पूरा शरीर उसका ढका रहता, तो साड़ी पहनने से कभी पेट नहीं दिखता, ये दिखता, लेकिन ऐसे वो पहनते थी, ऐसे चलते थे, कोई देखेगा तो आदर से सर झुक जाएगा, नहीं आदमी का सर झुक जाएगा, ऐसे देखेंगे देवी की समान उसका आदर देते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे कोई मारवाड़ी परिवार तो है, कई है, लेकिन आजकल क्या होता है, माताएं लोग दुपट्टा भी नहीं यूज करते हैं, या पीछे ब्लाउज अगर पहना है तो पूरा खुला देखने को मिलता है। तो उसी तरह बताया गया कि उससे क्या होता है, अगर नारी अपने धर्म का सही तरह से पालन करता है, बताया गया परिवार में कभी संकट नहीं आता। परिवार संकट से कौन बचाती है, बताया गया नारी की जो उसका चाहे भगवान की भक्ति करे और सारी सदाचार का अगर नारी पालन करती है तो कभी उसका परिवार में संकट नहीं है। ये ध्यान रखना, ये सब उदाहरण से गुंडा है, गुंडा जब वो गुंडा के जो पति था कौन था, जालंधर, और इतना दुष्ट था लेकिन भगवान उसको नहीं मार पाए, क्यों, इसका सदाचार, इतना सतीत्व बचा रहा, आखिर में उसका सतीत्व नष्ट करने के लिए भगवान को, भगवान उनका पति के रूप में आके उसका पहले उसका पावर को प्राप्त किया। उसी तरह, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सदाचार में
और पुरुष को स्त्री को अपनी माता के समान आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और उसी तरह स्त्री को भी पुरुष को और आकर्षित करने के लिए अपने वेशभूषा धारण नहीं करना चाहिए। और बताया गया केवल अपने ऐसे बताया गया शास्त्र में, जो आजकल माता जी क्या है दिन भर नाइट ड्रेस में रहती है, लेकिन बताया गया वो भी गलत है वो भी। और बताया गया कि कभी कभी आवाज ठीक से नहीं आ रही हो रहा है, तो माता जी को खूब सजना चाहिए। बताए दिन में जब काम दाम खत्म हो गया 4-5 बजे, माता जी को अच्छी साड़ी पहनना चाहिए, अच्छे सजना चाहिए। जब पति काम करके घर पे वापस आते हैं तो बहुत सुंदर लगना चाहिए, जो पति आके देखे तो प्रसन्न हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल माता जी लोग आलसी है, साड़ी भी नहीं पहनती है, ढंग के कपड़ा नहीं पहनती है, नाइट ड्रेस में रहेगी। आजकल तो जीन्स पैंट भी पहनते हैं, कान निकर में रहते हैं। तो इसीलिए उससे क्या होता है, खुद का अमंगल के साथ साथ परिवार का भी अमंगल होती है। तो इसलिए ये जो पहला बात है, पृथु महाराज कैसे होंगे, तो सारी नारी को सम्मान देने वाले होंगे। कैसे देने, जिस तरह यह राजा सभी पत्नियों को अपनी माता की सपान समान सम्मान देगा, गलत नजर से तो नहीं देखेगा, लेकिन सभी को आदर करेगा। कैसे, अपनी माँ की बराबर, और अपने पत्नी के शरीर को आधा अंग मानेगा। ये भी जो गृहस्थ है बताया गया, और पत्नी जो होती है आधा अंग नहीं होती है, और पति जो भी पाप करता है और जो पुण्य भी करता है ना, पति जो पाप करता है और उसको आधा पत्नी को जाती है, पुण्य भी करता आधा जाती है पत्नी को, लेकिन पत्नी जो पुण्य करती है, पाप करेगी तो पति को जाएगा, पुण्य करती तो पति को नहीं जाता, उल्टा सिस्टम बना गया। ये कलयुग के लिए भगवान कुछ भी नियम बनाए, और कलयुग के लिए और एक अच्छा नियम भगवान बनाए। हाँ नहीं, पुरुष जो भी कर्म करेगा, अच्छा करा बुरा करा, पत्नी का पति किया तो पत्नी को भुगना पड़ता है, लेकिन पत्नी अगर बुरा कर्म किया पति का आएगा, अच्छा किया तो पत्नी नहीं आता ऐसा। और कलयुग के लिए और एक भगवान कैसे दिए, कलयुग में हमारे मन इंद्रिया बहुत दूषित है, इसलिए बताया गया कलयुग में कोई मन से अगर पाप करता है, मन से पाप विचार आता है, वो पाप का फल भोगना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि विचार आए तो फिर आगे पाप कर सकते हैं, ऐसा विचार तो नहीं आना चाहिए, लेकिन गलती से आ गया तो पाप का फल भोगना नहीं पड़ता। लेकिन अगर पुण्य के लिए शुभ कार्य के लिए कोई विचार आ गया, तुरंत तो उसका आधा फल मिल जाता है। देखिए कलयुग के लिए, अगर हम कोई अच्छे कर्म करना चाहते हैं, सिर्फ मन में विचार कर लिया मैं करना है, तो तुरंत तो आधा फल मिल जाता है ये कलयुग। तो उसी पे ये जो राजा जो है, उसी तरह अपना पत्नी को भी आदर देगा जैसे अपना आधा शरीर है, और पति को भी पत्नी को ऐसे आदर करना चाहिए कि जैसे कि वो दोनों एक ही आधा शरीर। जैसे युधिष्ठिर महाराज भी जब प्रश्न करते हैं गृहस्थ जीवन के बारे में, जो शिक्षा लेना है युधिष्ठिर महाराज की, ये जो शिक्षा है 6वां स्कंध में, युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि के संवाद है, कैसे गृहस्थ को होना चाहिए, उसमें से एक प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज जी, भगवान द्वारा भेजा हुआ मित्र कौन है। तो नारद मुनि बोलते हैं जो पत्नी या पति है वो भगवान द्वारा भेजा हुआ मित्र है, जिसकी शादी होगी, मतलब ये वो जो मित्र है वो भगवान द्वारा भेजा हुआ मित्र है। इसलिए भगवान की योजना से किसको कौन मिलेगा पहले से निश्चित रहता है, इसलिए उसको क्या मानना चाहिए, आधा जो भी सुख दुख दोनों मिलके उसको एक, नहीं तो फिर ये तुम्हारी वजह से ऐसे हो रहा है, तुम्हारी वजह से ऐसे हो रहा है, दूसरे को गलती नहीं देखना,
और दोनों मिलके मतलब एक शरीर, जैसे कष्ट आता है तो मेरे को भी हो रहा है, उनको भी हो रहा है, वो सोचना चाहिए जो मेरे को भी कष्ट हो रहा है और उनको भी हो रहा होगा। यहाँ तक तो बताया गया कभी भी हमारे दुख का कभी शेयर नहीं करना चाहिए किसको, इतने अगर इतने मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, कभी अपना दुख किसको बताना नहीं चाहिए। अगर दुख अगर हम किसको बताते तो क्या होता है, सामने वाला भी दुखी होता है ना, इसलिए हमारी दुख के कारण सामने वाले को दुखी करने के लिए ऐसे नहीं बताना चाहिए। हाँ कभी कभी ऐसे होना चाहिए कि, और मेरे मतलब सामने वाले से कभी कभी क्या होता है, पत्नी घर पे रहती है, सास ननद से झगड़ा हो गया, जो पति आता है तो उसके और किसको बोले, पति को बोलना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसे बुद्धिमान पत्नी होती है तो अपना दुख को छुपा के रखती है, वो नहीं चाहती है कि चाहे पत्नी हो चाहे कोई भी हो, और अपने दुख से दूसरे को दुखी नहीं करना, ये प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इसलिए पृथ्वी महाराज भी ऐसे होंगे, अपने पत्नी का आधा अंग। और ये और महत्वपूर्ण बात है कि राजा क्या करेंगे, अपनी प्रजापति पिता के समान स्नेह होंगे। आज क्यों मेरा आवाज ऐसा है माइक का कुछ? हाँ अच्छा, अपनी प्रजापति सम्मान स्नेह होंगे, स्नेह तो बताया गया राजा जो होते हैं, और वो बताया गया राजा बनना तो बहुत ऐश्वर्य भोगता है, लेकिन राजा बनने के बाद अगर वो प्रजा को ठीक से पालन नहीं करता, बताया गया 25% जो कर्म है वो कर्म प्रजा कर्म राजा को आ जाती है। तो इसलिए राजा क्या करते हैं, प्रजा को सही मार्गदर्शन करते हैं, उसके साथ साथ और प्रेम कैसे करते हैं, प्रजा को ऐसे प्रेम करते हैं जैसे अपने पिता पुत्रों को करते हैं। जैसे वैदिक काल में जितने भी राजा होते थे ऐसे ही प्रजा को शासन करते हैं। आजकल का राजा तो और लूटते हैं मतलब शोषण करते हैं, लेकिन पिता के समान, पिता कैसे होते हैं, पिता अपने तो ब्रह्मचारी, अपने पिता कैसे पता नहीं, पिता कैसे होते हैं हमारे राम प्रभु से सीखना चाहिए। और अभी तो राम प्रभु थोड़ा अलग सा लगे, और जो समय हम साथ रहते थे कभी इधर सा प्रसाद, अच्छा प्रसाद है, खुशी होता है, राम प्रभु बहुत सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, राम प्रभु दे देते हैं प्रसाद और फल हो जो दे देते हैं, वो कभी खाएगा नहीं, अपने बच्चे के लिए लेते। फिर कभी कभी मैं गुस्से में बोलता कि आप अगर बच्चे के लिए लोगे तो तुमको मिलेगा नहीं, तुमको प्रेम से दे रहे हैं कि राम प्रभु इतना सेवा करते हैं ले लो करके, वो ले लेता अपने बच्चे के लिए लेते। तो पिता कैसे होते हैं, सारी सुख को त्याग के अपने बच्चे को सुख देने के लिए प्रयास करते हैं, खुद फटा कपड़े पहनेंगे, बच्चे को अच्छे कपड़ा होना, अच्छे पढ़ाई के लिए, बच्चे के अच्छे पढ़ाई के लिए घर बार बेच देते हैं, भूखे प्यास रहते हैं, होता है ना ऐसे, कई माँ बाप ऐसे करते हैं। तो बाप ऐसे होते हैं, राजा ऐसे होना चाहिए। और राजा या जो अपने आश्रित है, राजा तो देश की प्रतिनिधि है, जो घर की प्रतिनिधि है, जो घर की मुखिया है, जैसे घर में कोई मुखिया जैसे माता जी है, और वो माता जी अगर खाना बनाती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो मेरे लिए होना, वो नहीं सोचती जैसे सभी लोग खा ले मेरे लिए नहीं बचा तो चलता। यहाँ तक देखा जाता है हमारी हमारे माँ वगैरह जब थे तो ऐसे करते थे। हाँ देखा, उनके लिए कुछ नहीं रहता आखिरी में, वो नमक मिर्ची के साथ खाते थे, लेकिन बच्चे सभी परिवार को। इसी तरह हमारी जो आश्रित है, चाहे घर के मुखिया हो चाहे देश के मुखिया हो, जो अपने आश्रित है उसी तरह आदर देना चाहिए। और पृथ्वी महाराज ऐसे होंगे, अपने प्रजा को उसी तरह पालन करना चाहिए, करेंगे जैसे पिता के समान। इसलिए पृथ्वी महाराज के जीवन में हम लोग सीखना चाहिए किसी तरह, और अपने जो आश्रित को हम लोग पालन करें या देखें। तो सबसे महत्वपूर्ण आखिर में
अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझ गए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। राजा होते हुए भी वो अपने को दास मानेंगे, किसका दास मानेंगे बताया गया, जो भगवान के भक्तों का, ब्रह्मवादी। यहाँ पे प्रभुपाद भी ब्रह्मवादी का मतलब बताए, ब्रह्म मतलब परम सत्य को ही ब्रह्म कहते हैं, आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, परम सत्य को भी ब्रह्म कहते हैं। इसलिए और परम सत्य को प्रभुपाद यहाँ बताए तीन प्रकार में जाना जाता है, वो एक ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्द। यहाँ जो ब्रह्मवादी बताया गया, जो ब्रह्मवादी हम लोग अगर आ गया तो हम लोग सोचते हैं मायावादी हो सकते हैं, नहीं, ब्रह्मवादी मतलब जो भगवान के उपासक है। और वो उसमें कौन हो सकते हैं, ब्रह्मवादी मतलब जो भगवान के निराकार ज्योति के उपासक है। एक कहते हैं ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति सत्य। ब्रह्म मतलब भगवान की जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से प्रकाश निकलती है। बताया गया भगवान के धाम में जो है, गीता में बताया गया, न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान के धाम कैसे है, वहां सूर्य नहीं है, न तद भाषयते सूर्य, सूर्य भगवान के धाम में नहीं है, ये भौतिक जगत में है। न तद भाषयते सूर्य न शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा, चंद्रमा भी नहीं है भगवान के धाम में। न पावक, पावक मतलब अग्नि, अग्नि भी नहीं है, तो फिर वहां कैसे प्रकाश होती है बताइएगा। वो ब्रह्म संहिता वो गीत वो श्लोक कौन सा है? हाँ नहीं वो हाँ हाँ नहीं, ब्रह्म संहिता में आता है जो करोड़ सूर्य की प्रकाश निकलती है भगवान के शरीर से, ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं और दर्शन होता है, और समय से यश प्रभा प्रभाव होता जगत दंड कोटि में, यश प्रभा प्रभाव होता जगत दंड कोटि, मतलब वहां प्रभाव कैसे, शुभा कैसे होती है भगवान की, शुभ वो तो रात होता नहीं, शुभा नहीं होती, वहां भगवान के शरीर से इतनी प्रकाश निकलता है, यह प्रभा प्रभव तो जगदंड कोटि, कोटि प्रभा मतलब सूर्य, सूर्य का एक नाम है प्रभा, प्रभा मतलब जो शुभ सुबह का मतलब प्रदान करता है, सुबह हमको सवेरा जो सवेरा मिलता है सूर्य से प्राप्त होती है, रात भर अंधेरा रहता है जो सवेरा आती है तो सूर्य से, तो इसलिए सूर्य का एक नाम प्रभा है, प्रभा जगदंड कोटि बताया गया, कोटि सूर्य के प्रकाश निकलती है भगवान के शरीर से, मतलब इतने प्रकाश, तो वो प्रकाश को भी जो आराधना करते हैं वो भी ब्रह्मवादी है, भगवान के भक्तों को उपासक है, एक ब्रह्मवादी और दूसरा है परमात्मा, जो भगवान परमात्मा मानते हैं, तीसरा जो भगवान मानते हैं। लेकिन जो भगवान को ब्रह्मवादी ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं उनकी गति क्या होती है, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, और लीन हो जाते हैं मतलब प्रवेश कर जाते हैं, चिर निद्रा में सो जाते हैं, कोई आनंद अनुभव नहीं करते और सो जाते हैं। फिर जब वो ये सृष्टि प्रलय हो जाती, सभी भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, तो सृष्टि विस्तार होती, तो फिर सभी, क्योंकि उसमें उनका इच्छा शक्ति जो रह जाती है उसी कारण से फिर दोबारा ये सृष्टि में आते हैं, जो ब्रह्मवादी है वो फिर ये भौतिक जगत में दोबारा आ जाते हैं। लेकिन जो और क्या है, जो भगवान परमात्मा के रूप में जानते हैं, परमात्मा के रूप में उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं, वो क्या योगी कहते हैं, वो से भी क्या करते हैं, और वो ही उसी में ही आनंद लेते हैं। और तीसरा क्या है, तो भगवान इति शब्द थे, और भगवान के जो भक्त है, जो भगवान जानते हैं, जो भगवान को साकार रूप में मानते हैं, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद है, हाँ जैसे ब्रह्मा जी बोले आद्यो पुराण पुरुषम नव जगन, जो भगवान जो सुंदर श्याम सुंदर रूप को जो मानता है, जो उपासक है, वो क्या करते हैं, भगवान के साथ
नित्य लीला में, और आनंद आदान प्रदान करते, भगवान सखा बन जाते हैं, भगवान की दासिया बन जाती है, भगवान की पिता माता बनते हैं, और वात्सल्य माधुर्य और सख्य भाव से भगवान के साथ रस आदान प्रदान है, भगवान की सेवा करते हैं। तो उसी तरह ये जो ब्रह्मवादी बताया गया, और यह पृथ्वी महाराज क्या करेंगे, तो ऐसे जो भगवान के भक्त है इनका दास बनेंगे। दास बनना मतलब, जो दास दास का एक कर्तव्य क्या है, एक तो आज्ञा का पालन करना है और दूसरा क्या है, उनका सेवा करना है। इसलिए बताया गया, और भक्तों के वैष्णव का मुख्यतः तीन गुण है, क्या है क्या है? नहीं, वो नहीं, जो तीन गुण बताया गया, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव। भक्तों का जो मुख्य तीन गुण है क्या होना चाहिए, नामे रुचि, नाम में इतना रुचि होना चाहिए, इतना रुचि होना चाहिए कि नाम बिना जीवित नहीं रह सकते। जैसे होता है ना कभी कभी, आज ऐसे तो हो नहीं सकता, हम लोग हमारी जीवन में अनुभव है, हम जब माला नहीं करते तो उस दिन कैसे लगता, कुछ भी हो जाए, जो सीरियस वक्त कुछ भी हो जाए उसका तो माला पूरा कर लेता है नहीं? और उसी तरह नाम है रुचि जीवे दया, जीवे दया मतलब दूसरे पर को भी दया करना चाहिए, वो ऐसे सोच के करना चाहिए, सभी भगवान की अंश है, सभी भगवान की अंश स्वरूप, या भगवान की, भगवान चाहते हैं, इसी सोच के दूसरे को दया करना चाहिए। और तीसरा है वैष्णव सेवा, ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग सुने, जब जगन्नाथपुरी में जाते थे भक्तों लोग, वो वापस आते थे, जगन्नाथ जी बोले थे हमारे लिए आज्ञा क्या है, चैतन्य महाप्रभु केवल ये आज्ञा देते थे, नाम जप करो, वैष्णव की सेवा करो। तो फिर पहले साल बोले, दूसरे साल बोले, तीसरे साल बोले, तो भक्तों लोग पूछते थे, तो पहले पूछते थे ठीक है नाम तो जप करना ठीक है, वैष्णव सेवा मतलब वैष्णव किसको माने, कि वैष्णव कौन है, वैष्णव कौन है?